इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दलित टीचर को बीजेपी नेताओं के पैर छूकर माफी मांगने पर मजबूर किया गया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। आरोप है कि शिवदान सिंह, इंटर कॉलेज के दलित अध्यापक सत्यभान सिंह ने फेसबुक पर ब्राह्मणों के खिलाफ पोस्ट डाला था और इस पर बीजेपी के कुछ ब्राह्मण नेता नाराज हो गए। दीपेश दीक्षित नाम के एक शख्स ने टीचर के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिसके बाद दरोगा ने टीचर को थाने में बुलाकर बीजेपी नेता कालीचरण गौड़ के पैर छूने को कहा और उनसे माफी मंगवाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं अलीगढ़ में किस तरीके से दलित टीचर का अपमान हुआ। देखिए, पुलिस वाला भी बैठा हुआ देख रहा है आपको इन तस्वीरों में। बाकायदा दलित टीचर से बीजेपी नेताओं के पैर छूकर माफी मंगवाई गई, पुलिस की मौजूदगी में यह सब हो रहा है। ये योगी की पुलिस किस तरीके से दलितों का अपमान, जो इस वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, क्या जवाब दिया जाएगा यूपी पुलिस की तरफ से? बीजेपी नेता के पैर छूकर माफी मांगने को क्यों मजबूर किया गया एक दलित टीचर को? हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, 2019 के लिए दलित महत्वपूर्ण है और योगी की पुलिस दलितों का यह सम्मान कर रही है यूपी में? देखिए, कल ही जो संघ की बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि आप दलित और पिछड़ों को साथ लेकर चले, और ये तस्वीर जो है बताया जा रहा है, जो वहाँ के एसपी रूरल है यशवीर सिंह, उन्होंने बताया कि तस्वीर परसों की है वीडियो, और ये एक जो टीचर है दलित टीचर सत्यभान सिंह, उन्होंने कुछ पोस्ट किया था। उसके बाद जब बात बढ़ी तो थाने, इगलास थाने में बुलाकर संदीप कुमार ने इस मामले में जो बीजेपी नेता ने शिकायत की थी उनकी पांव छूने को कहा। ये भी जानकारी आई है कि जो दरोगा ये कर रहे हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं संदीप कुमार, वो खुद भी दलित है, लेकिन जिस तरीके से मजबूरी में जानबूझकर दबाव डालकर पैर छुआकर मामले को शांत कराया गया, वो तस्वीर है वाकई शर्मनाक। ये शर्मनाक तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश से सामने आई है, दलित टीचर जिसने फेसबुक पर पोस्ट किया था, इसी फेसबुक पोस्ट से नाराज होकर इस तरीके से माफी मंगवाई गई, पुलिस की मौजूदगी में दलित टीचर से माफी मंगवाई गई, किस तरीके से हाथ जोड़े पहले दलित टीचर ने, वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और सिर्फ हाथ जोड़ने से काम नहीं बना, बाकायदा पैर छुआकर माफी मंगवाई गई दलित टीचर से, दलित टीचर ने बीजेपी नेता के पैर छुए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।